स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे राइनोसोरस के बारे में, यानी कि गेंडे के बारे में। तो राइनोसोरस, जिसे शॉर्ट में राइनो भी कहा जाता है, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा जमीनी प्राणी है। तो राइनो आमतौर पर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और इनकी 5 प्रजाति है जो विलुप्त होती प्रजातियों की श्रेणी में से आते हैं, जिसका कारण उनकी सींग के लिए उनका अत्यधिक शिकार है। तो अब जानते हैं और डिटेल में मास्टर राइनो के बारे में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया कुंग फू पांडा में भी। तो अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मास्टर राइनो से रिलेटेड। तो नंबर 1, हॉर्स, जीब्रा और टेपियर राइनो के नज़दीक रिश्तेदार हैं, मतलब उनके जेनेटिक्स काफ़ी हद तक सेम है। फैक्ट नंबर 2, राइनो की ऊंचाई 6 फीट तक हो सकती है और इसकी लंबाई करीब 11 फीट तक हो सकती है, और इनका वजन 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। पर इनके इतने बड़े शरीर के बावजूद इनका दिमाग का आकार बहुत छोटा होता है, मतलब अकल बड़ी की भैंस, पर जो भी हो यहाँ पर गेंडे की अकल भी उसके शरीर की तुलना में काफ़ी कम है। नंबर 3, अफ्रीका में 2 प्रकार के राइनो रहते हैं, सफ़ेद राइनो और काले राइनो। सफ़ेद राइनो सफ़ेद नहीं होते, इनकी त्वचा थोड़ी सी भूरी होती है और इनके मुँह का आकार ब्लैक राइनो से बड़ा होता है। नंबर 4, जेवन राइनोसोरस गेंडे की प्रजाति के सबसे कम पाए जाने वाले गेंडे हैं, जो अपने जंगली आवास में सिर्फ 50 तक की संख्या में रह गए हैं। इस प्रजाति के गेंडे का शरीर अलग अलग तरह के भारी भारी प्लेट नुमा संरचना से ढका होता है, और ये प्लेट और कुछ नहीं इनकी मुड़ी हुई त्वचा होती है, जो इन्हें दिखने में काफ़ी हद तक एक टैंक की तरह खतरनाक बनाता है। नंबर 5, भले इनकी त्वचा मोटी लगे, लेकिन ये नरम और धूप से झुलसने वाली होती है, जिसके लिए राइनो अपने आप को कीचड़ से लपेट लेते हैं, जो उन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बचाते हैं। नंबर 6, राइनोसोरस हर्बीवोरस होते हैं, मतलब शाकाहारी जीव होते हैं। वह केवल घास, झाड़ियाँ, पत्ते और टहनी खाते हैं। नंबर 7, राइनो के सींग कैरेटीन से बने होते हैं, जिससे हमारे नाखून बनते हैं। नंबर 8, राइनो के अलग अलग प्रजाति के पास अलग अलग सींग होते हैं, जैसे भारतीय और जवान राइनोस के पास एक ही सींग होता है, जबकि वाइट, ब्लैक और सुमात्रन राइनोस के पास 2 सींग होते हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि राइनोस के सबसे लंबे सींगों का आकार क्या रहा होगा? तो वो 4 फीट 9 इंच लंबे थे। नंबर 10, क्या आप जानते हैं छोटी चिड़िया, जिन्हें की ऑक्स पैकर कहा जाता है, वह राइनो के शरीर से कीड़े मकोड़े और घास फूस निकालने में सहायता करती है, जहां पर वो पेट भरकर खाती है और राइनो को साफ कर देती है। नंबर 11, वैसे ये सुन के आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को गेंडा करके तब चुड़ाते हैं जब वो तेज नहीं भाग पाता और काफी भारी भरकम होता है, लेकिन राइनो तेज भागने वाले जानवरों में से गिना जाता है। ये 40 मील/घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, मतलब 18 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, जो इतने भारी भरकम जानवर के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य की औसत रफ्तार 45 किलोमीटर/घंटा होता है, जिसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 12, आपने काफ़ी बार कार्टून्स में देखा होगा कि गेंडे को चश्मा पहना रखा है, तो क्या ऐसा उसे समझदार दिखाने के लिए किया गया है, या फिर ऐसा उसका मजाक उड़ाने के लिए किया गया है? तो इसका कारण यह है कि गेंडे की आंखें बहुत कमज़ोर होती है, पर उनके सूंघने और सुनने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, तो अगर उनसे पंगा लेने की सोच रहे हो उनकी आंखों के वजह से, तो ख्याल छोड़ दो। नंबर 13, राइनो के झुंड को क्रैश कहा जाता है। काले राइनो आमतौर पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिस कारण से उनके आबादी के 50% नर और 30% मादा इस लड़ाई के कारण मारे जाते हैं। नंबर 14, राइनोस आमतौर पर 14 से 18 माह तक बच्चे को गर्भ में धारण करते हैं, जिसके बाद वह उसे 2 से 4 वर्ष तक पालते हैं, जिसके बाद वह स्वतंत्र तौर पे रह सकते हैं। नंबर 15, राइनो की औसत उम्र 40 से 45 वर्ष देखी गई है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स राइनोस के बारे में। तो अब आप क्या सोचते हैं राइनोस के बारे में? क्या आपकी थिंकिंग इनको लेकर थोड़ी सी बदली है? और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए और नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी
कर दीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।